ये भोजन श्रृंखला के शीर्ष पर है। क्योंकि अपनी जबरदस्त ताकत, उछलने की बेहतर काबिलियत और असाधारण टीम वर्क की वजह से शेर किसी भी जानवर का शिकार करने से नहीं हिचकते। जानवरों के शहंशाह शेर को अब बिल्कुल नए नजरिए से देख ईस्ट अफ्रीका में सितंबर का महीना आधा बीत चुका है। ये सूखे का मौसम है। ये 12 वयस्क शेर और 6 शावक एक झुंड में रहते हैं, जो जिंदगी भर साथ रहने और मिलकर शिकार करने वाला लंबा चौड़ा परिवार है। ये मौसम बहुत गर्म और सूखा है और शेर का ज्यादातर शिकार हरे भरे चरागाहों की ओर जाने लगा है। इसकी वजह से अब यहां शिकार करने के मौके कम हो रहे हैं। हर शेर को रोजाना 5 किलोग्राम से ज्यादा मांस की जरूरत होती है, यानी लगभग 8000 कैलोरीज। और शिकार करने के मौके कम होने की वजह से ये झुंड कोशिशों में नाकाम होना बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन अपने से 5 गुना बड़े जानवरों को मारना आसान नहीं होगा। बफलो का शिकार करना एक चुनौती है। ये खतरों के प्रति बहुत सतर्क रहते हैं और हर रात सिर्फ 1 घंटा सोते हैं, और वो भी एक बार में बमुश्किल 2 मिनट। बफलो और किनारे पर ज्यादातर नरों का सुरक्षा घेरा तैनात रहता है। इसलिए बफलो या किसी और शिकार को पकड़ने में कामयाब होने के लिए शेर को टीम वर्क और रणनीति की जरूरत होती है। दूसरी तरफ शेरनी अकेले किसी गजेल को खा तो सकती है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं सकती। वो उतनी तेजी से नहीं भाग पाती। इस कार को तेजी से पछाड़ सकते हैं। कुछ ज्यादा ताकतवर होते हैं और ये जानवर के नथुनों को दबोचने या उसे गिराने में ज्यादा कारगर होते हैं। और कुछ शिकार की शुरुआत में 2 फ्लशर्स ने झुंड को खदेड़कर उन्हें घबराकर भागने के लिए मजबूर कर दिया। फिर झुंड के 2 स्ट्राइकर्स में से 1 ने हालात का अंदाजा लगाया। इसने बफलो के झुंड का जायजा लेकर तय किया कि किस जानवर को निशाना बनाना है। ये कमजोरी के चिन्ह ढूंढकर बछड़ों या बीमार या फिर झुंड से अलग अलग हुए बफलो की पहचान कर रही है। कुछ ही पलों में इसने टारगेट चुन लिया। ये एक टूटी सींग वाली मादा है, को तोड़ देने वाली लड़ाई ने शायद इस बफलो को ज्यादा गंभीर जख्म भी पहुंचाए हैं। एक औसत शेर ने चौ स्ट्राइकर ने एक फ्लशर के पास से तेजी से आगे निकलकर बफलो पर हमला कर दिया। जल्दी ही मदद के लिए कुछ और शेर आ गए हैं। 2 और शेरनियां बफलो की पीठ पर कूद गईं और ये सब मिलकर अपने वजन से इसे गिराने की कोशिश कर रही हैं। 770 किलोग्राम की ये मादा बफलो अब कुल 1 शेरनी ने अपने बड़े कैनाइन से वार किया, जबकि दूसरी ने अपने मुंह से बफलो के नाक मुंह को बंद कर दिया। 15 सेकंड में ही बफलो को ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी। अब ये घबरा रही है।
इससे इसकी दिल की धड़कन बढ़ गई और इससे शरीर में मौजूद थोड़ा सा ऑक्सीजन भी बचने की बजाय तेजी से खत्म हो गया। मादा बफलो बेहोश होने लगी, इसके मसल्स ढीले पड़ गए और आखिरकार इसने दम तोड़ दिया। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी हो सकता है कि शिकार में कामयाब शेरनी को खाने का मौका ही न मिले। ये झुंड की अगुवाई करने वाले नर से इजाजत मिलने पर ही खा सकती है। पहले वो इस बफलो का लगभग 20 किलो मांस खा गया और इसके बाद ही मादाओं को खाने का मौका मिलेगा। इसमें नर बस राजा वाली भूमिका निभाते हैं। ये शेरों के झुंड में आमतौर पर दो या तीन नर होते हैं, लेकिन इस झुंड में सिर्फ एक ही है। ये झुंड की हिफाजत करता है, बच्चे पैदा करता है और अपने इलाके में गश्त लगाकर ये पक्का करता है कि कोई और शेर घुसपैठ ना करे। ये शिकार में मादाओं की तरह सक्रियता से शामिल। ये शिकार वाकई बहुत अच्छा रहा, जिससे लगभग एक सप्ताह तक इनका काम चल सकता है। ये झुंड खाने में व्यस्त है।